आज हम सिक्किम सरकार के इस बस में सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाएंगे। इनको ये बोलते हैं एसी सुपर बस, रुकती कहीं नहीं है, नॉनस्टॉप बस है। इस वाली बस में ना आपको 2x1 के पुशबैक सीट्स मिल जाते हैं एंड सीट्स काफी अच्छे हैं। और यहाँ पे आप दोनों साइड नज़ारे देखिए कितने ज्यादा प्यारे हैं। यहाँ पे जब फ्लड्स आए थे ना तभी रोड काफी डैमेज हो गया था। एंड फाइनली वेलकम टू सिक्किम। इनफैक्ट पहाड़ों के ऊपर आप गैंगटॉक का शहर देख सकते हैं। रूम तो मतलब बिल्कुल जबरदस्त दे दिया इन्होंने इस व्यू के साथ। ये कॉफी, ओहो। गैंगटॉक के एमजी मार्ग में आपका स्वागत है, नेम्ड आफ्टर द महात्मा गांधी। सो फाइनली गाइस ड्रोन उड़ा लिया है। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। शुक्रिया कि आपने नॉर्थ ईस्ट सीरीज को इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया। नॉर्थ ईस्ट सीरीज का मकसद मेरा वैसे रहता है कि नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स है ना, 7 स्टेट्स, वो मैं दिखाऊं। लगभग 3 बार में मैंने ऑलमोस्ट कवर ही कर लिया 7 सिस्टर्स। लेकिन 7 सिस्टर्स का जो है ना एक ब्रदर भी है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, जो कि है सिक्किम। स्वागत है आपका सिक्किम सीरीज में। नॉर्थ ईस्ट के बाद एक छोटा सा एडिशन 7 सिस्टर्स के भाई को इंसाफ मिले, इसीलिए सिक्किम आज तक हमने कवर नहीं किया था। इस चैनल पे तो हम कभी भी नहीं गए थे सिक्किम की ओर। मतलब मैं बचपन में घूमने तो गया था मगर व्लॉगिंग के काम से कभी भी नहीं हो पाया। सो फाइनली नॉर्थ ईस्ट में इतना सब दिखाने के बाद पेश है आपके लिए एक सिक्किम सीरीज जिसमें 4-5 ही एपिसोड रहेंगे, मगर मैं कोशिश करूँगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा सिक्किम आपको घूम के दिखाऊँ। एंड एक और चीज़, फिलहाल ना मैंने ड्रोन ले लिया है। सो ऑब्वियसली बहुत ही कमाल के ड्रोन शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे इस वाले व्लॉग में एंड इस वाले सीरीज में एंड आने वाले वीडियोस में। सो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, फिलहाल मैं हूँ गेटवे टू दी नॉर्थ ईस्ट सिलीगुड़ी में। नॉर्थ ईस्ट अगर बाई रोड जाना है ना तो सिलीगुड़ी होके आपको जाना पड़ेगा। बता दूँ आज हम ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया के एक और आरटीसी के साथ, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ। इंडिया के इतने आरटीसी मैंने आपको दिखाए, कुछ कुछ रह गए जैसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, MP, मेघालय, उनका तो कोई अता पता है नहीं, बट जो है जो सर्विस दे रहे हैं उनकी वीडियो मैं दिखाऊँ, यही मेरा मन है। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट से फ्रॉम सिलीगुड़ी द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू गैंगटॉक, जो कि सिक्किम की राजधानी है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ SNT के बस स्टैंड में। इनका ना अपना बस स्टैंड है, जैसे सिलीगुड़ी जो मेन तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड है ना उसी के जस्ट ऑपोजिट में थोड़ा सा आगे आना पड़ता है इनके बस स्टैंड के लिए। ये रहा SNT का बस स्टैंड एंड SNT का मतलब है सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। जैसे हर जगह रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होता है, इनका है नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। आज हम सिक्किम सरकार के इस बस में सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाएंगे। इनको ये बोलते हैं एसी सुपर बस, रुकती कहीं नहीं है, नॉनस्टॉप बस है। सो बस भले ही छोटी मगर भागती बहुत सही है। लास्ट टाइम मैं बंगाली में जब व्लॉग करने गया था ना तब मैंने देखा था। अगर आप डायरेक्टली आना चाह रहे हैं, टिकट यहीं से बुक करना है तो जस्ट बगल में टिकट काउंटर है। सो यहाँ पे देख लीजिए इनकी जो बस है वो पेलिंग भी जा रही है। जो नॉन एसी बस है वो मैं आपको आने वाले सीरीज में दिखाऊंगा। बाकी इनके पास दो ही टाइप की बस है, एक है नॉन एसी वाली 2x2 एंड एक जो है एसी 2x2 भी है, 2x3 भी है। तो आज हम 2x1 वाले बस में ट्रैवल करेंगे। डिलक्स बस है, सुपर लग्जरी बस है। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाते हैं वैसे अक्सर शेयर गाड़ियाँ भी मिल जाती है इस रूट पे, मगर वो काफ़ी कंजस्टेड होते हैं, एक सीट पे 4-4 बंदे बिठा के लेके जाते हैं। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ ऑब्वियसली बस, जो कि अफोर्डेबल भी है एंड साथ ही साथ कंफर्टेबल भी है। प्लस एक रिलायबिलिटी है कि 10:30 का टाइम है तो 10:30 बजे यहाँ से चल जाएगी। 10:30 बजे की मेरी बस है, अभी सुबह के 10:15 आई गेस हो गए होंगे। तो एक बार डिक्की में सामान रख के आपको बस के एंट्रेंस दिखाता हूँ, फिर दे देता हूँ इस रूट की थोड़ी जानकारी, थोड़ी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ सिक्किम के बारे में एंड शुरू करते हैं फिर आज की हमारी जर्नी। और वैसे बता दूँ आज इस व्लॉग में ना हम थोड़ा सा गैंगटॉक घूम के भी देखेंगे। गैंगटॉक का जो MG मार्ग है, जो माल रोड है, जो गैंगटॉक का रोपवे है एंड बाकी होटल, खाना पीना ये सब तो रहेगा ही। तो चलते हैं फिलहाल बस के अंदर। ये जो बस है ना वैसे SML की है एंड यहाँ पे बैठने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हो पाता है तो। इस वाली बस में ना आपको 2x1 के पुशबैक सीट्स मिल जाते हैं एंड सीट्स काफ़ी अच्छे हैं, मोर और लेस जो वॉल्वो बस में होता है ना वही सीट्स हैं। सेम ही कंपनी बनाती है जो सीट्स होती है वॉल्वो में, वो हारिटा की है। ये भी देख लीजिए हारिटा कंपनी की सीट्स। थोड़ी सी बस छोटी है लेकिन हाँ कम्फर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। बुकिंग की बात करें तो एक तो ऑप्शन आपके पास डायरेक्टली आके लेना है, मगर किसी किसी दिन लाइन लगाना पड़ेगा। अभी जो है ना ये लोग रेड बस में भी सीट सेल कर रहे हैं, पहले रेड बस में नहीं थे, इनका खुद का ऑनलाइन वो था वेबसाइट
फ्लाइट था वो अभी मैंने देखा चल नहीं रहा, बट रेड बस भी आ गए हैं। रेड बस पे आप सिक्किम में जितने भी बस रूट्स हैं सबकी बुकिंग कर सकते हैं, पेलिंग, फिर रावांगला, फिर गैंगटॉक, जहाँ पे भी आपको जाना है। तो एडवांस बुकिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। इस बस का जो फेयर है वो है लगभग 350 रुपये, एंड जो नॉन एसी बस है उसका फेयर है आई गेस 190 रुपीज़। तो अगर शेयर टैक्सी, सूमो, ये सब अवॉइड करना चाह रहे हैं, SNT की बस आपको बहुत ही अच्छी सर्विस देगी। सो पहले बात कर लें SNT की। SNT मैं कह सकता हूँ इंडिया का एकमात्र ऐसा RTC है जो कि पूरा गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज्ड है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर आजकल मैक्सिमम RTC वही कर रही है कि ड्राइवर्स या तो लीज पे ले रही है या तो बसें लीज पे ले रही है। बात करें SNT की फ्लीट की, 10 से 12 इनके पास ये AC बसें हैं, 2x1 2x2। नॉन AC बसें तो भरपूर है। लास्ट टाइम भी मैं जब आया था तब भी मैंने ये देखा था कि उनकी खूब बसें हैं, अब की बार भी मैं वही देख रहा हूँ। बाकी SNT का ना अपना कैंटीन भी है, वहाँ पे एक जूस शॉप भी है। डिस्टेंस की बात कर लें वो है 120 किलोमीटर, जिसको कि आज हम 4.5 घंटे में कवर करेंगे। रूट की बात कर लें, यहाँ से चल के पहले जाएंगे शिवोक तक, बहुत ही प्यारे प्यारे फॉरेस्ट आएंगे दोनों साइड, कालिम्पोंग, रांगपो, सिंगटम, रानीपुल होके पहुँच जाएंगे गैंगटॉक एंड रांगपो, एक्चुअली रांगपो है उसका सही प्रोनाउंसिएशन। वहाँ तक आने वाले सालों में रेलवे ट्रैक भी बन रहा है, तो सिक्किम में एक ऐसा स्टेट है जो कि बचा हुआ है रेलवे कनेक्टिविटी से। ऑल्सो बात करें सिक्किम के बारे में, फॉर्म हुई थी 1975, इंडिया की 22वीं स्टेट। एक चीज़ बता दूं, आज मुझे इनवाइट किया है eTrip2.in ने, उनके पास है सिक्किम के बहुत अच्छे पैकेजेस, जैसे प्राइवेट पैकेज है, फिर शेयर्ड पैकेज है, 3 नाइट्स है, 4 नाइट्स है, 5 नाइट्स है, जैसा आप चाहें। तो वैसा ही एक पैकेज में मैं अभी जा रहा हूँ। इस पैकेज के बारे में सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड बहुत ही अच्छा सिस्टम है इनका, बढ़िया होटल, कैब, खाना पीना सब आपका ये अरेंज करेंगे। जो नाथुला पास का परमिट है, जो लाचुंग का परमिट है, सब कुछ वही बनाएंगे एंड सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा आपके पैकेज में। तो eTrip2.in का धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए, एंड आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। बाकी जो भी होटल रहेगा वो सब तो मैं आपको गैंगटॉक पहुँच कर दिखाऊँगा ही। तो चलते हैं फिर, टाइम इज 10:20, निकलते हैं फ्रॉम सिलीगुड़ी। अभी ना गाइस सुबह के 10:30 हो रहे और हम निकलने के लिए तैयार हैं। बाकी भैया क्या नाम है आपका? मेरा दिवस प्राण। दिवस प्राण, आप गैंगटॉक से हो? अच्छा, भैया ने मेरे को पहचान लिया अलग के लिए। चलिए, कितने साल से आप SNT के साथ? अभी 14 इयर्स SNT में, तो बहुत सीनियर ड्राइवर है हमारे। चलिए भैया चलते हैं। जो पेलिंग वाली बस थी ना वो निकल गई, वो भी 10:30 बजे की है, हम जस्ट निकलेंगे, एक पैसेंजर के लिए वेट कर रहे हैं। ऑल्सो सिक्किम की जो सरकार है ना वो अपने स्टेट में साफ सफाई को लेके बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट है। बचपन में जब हम हर जगह जाते थे, दार्जिलिंग, गैंगटॉक वगैरह सब, तो गैंगटॉक बचपन में हमें सबसे ज़्यादा साफ लगता था, एंड तब रूल्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि कहीं भी च्युइंगम नहीं फेंकना, कहीं भी कुछ कचरा नहीं डालना। एंड अभी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि 1 लीटर का पानी बॉटल अलाउड नहीं है, प्लास्टिक बैग्स अलाउड नहीं है, पानी बॉटल भी वहाँ पे सिर्फ 2 ही लीटर के मिल रहे, ताकि वेस्टेज को वो रिड्यूस कर सकें। ऑल राइट जी, अभी थोड़ा सा लेट हो गया निकलने में, बट कोई बात नहीं। फाइनली गाइस सिलीगुड़ी के ट्रैफिक से निकल के यहाँ पे पहुँचे नेशनल हाईवे 10 में, एंड यहाँ पे आप दोनों साइड नज़ारे देखिए कितने ज़्यादा प्यारे हैं। बाकी आज डाउन में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि संडे है, तो पूरा वीकेंड टूरिस्ट गैंगटॉक में रुक के घूम के अभी रिटर्न आएंगे, तो डाउन में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। बट कोई नहीं, आप ये व्यूज़ एंजॉय करिए, थोड़ी देर बाद हम अपनी चढ़ाई चालू करेंगे गैंगटॉक के लिए।
यहाँ पे गाइज हम पहुँच चुके हैं सेवॉक, एंड जो फॉरेस्ट आपने देखा इतना प्यारा फॉरेस्ट, वो सेवॉक फॉरेस्ट ही था। बाकी मैं आपको यहाँ का रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ, जो पहले बहुत छोटा हुआ करता था, मगर अभी ना स्टेशन काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि यहीं से सिक्किम का रेलवे नेटवर्क चालू होगा। राइट की ओर जो तीस्ता वाला ब्रिज है, हाँ इस तरफ स्टेशन है। पहले काफ़ी छोटा स्टेशन था, मगर अभी काफ़ी बड़ा हो गया। सिक्किम का जो रेलवे नेटवर्क है, ये सेवॉक रांगपुर रेलवे लाइन, उसमें बहुत सारे टनल्स ब्रिजेस बन रहे हैं, देखते हैं कब तक चालू हो पाता है। बाकी इस साइड में देखेगा तीस्ता रिवर, पानी एक्चुअली ना बहुत ही कम है तीस्ता में। यहाँ पे है गाइस सेवोकेश्वरी काली मंदिर, एंड एक बहुत ही फेमस ब्रिज कोरोनेशन ब्रिज, वहाँ पे जो है ना सामने देख लीजिए कोरोनेशन ब्रिज। यहाँ पे हम पहुँचे हैं काली झोड़ा में, यहाँ पे एक डैम है तीस्ता लो डैम नंबर 4। बाकी अभी हम वेस्ट बंगाल में ही हैं, कुछ देर बाद एंटर होंगे सिक्किम में। जर्नी चल रही है बिल्कुल तीस्ता के किनारे, बट तीस्ता में पानी का फ्लो ना थोड़ा कम है। जब बरसात हुआ था तब आपको पता है कि फ्लड्स आए थे, तब ना बहुत रोड्स टूट गए थे, कुछ कुछ ठीक हुए हैं, कुछ कुछ ठीक हो रहे हैं, बाकी अभी फ्लो थोड़ा कम है, ये दिक्कत है। यहाँ पे देख लीजिए तीस्ता लोअर डैम 3, जो पहले था वो 4 था, एंड यहाँ पे नीचे एक डैम है वो है डैम 3। यहाँ पे जब फ्लड्स आए थे ना तभी रोड काफ़ी डैमेज हो गया था, देख ही सकते किनारे से थोड़ा टूटा हुआ है। अभी जो है ना गाइज दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, हम पहुँचने वाले तीस्ता बाज़ार। यहाँ पे सीधा रोड चला जाएगा लामहट्टा की ओर, जो कि अभी ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। हम राइट लेके चले जाएंगे कालिम्पोंग साइड की ओर, मतलब बेसिकली ये तीस्ता है ना, तो हम अभी तीस्ता के उस पार जाएंगे, तो तीस्ता अब से हमारे लेफ्ट में आएगा। यहाँ पे जो है ना हम तीस्ता क्रॉस कर रहे हैं, एंड वो देखो रेलवे लाइन बनने की तैयारी, वो वहाँ पे रेलवे का टनल मिलेगा।
साइड जो है चला गया कालिम्पोंग, जो कि लगभग 15 किलोमीटर्स है, और हम अभी जाएंगे गैंगटॉक की ओर। जर्नी तो काफ़ी बढ़िया चल रही है, मगर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैसे गाइस इस बार आप देख लो मेली का सिटी। चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो तीस्ता है इसके इस पार है वेस्ट बंगाल एंड उस पार है सिक्किम। टाइम इज़ 1 PM, हम ले रहे एक छोटा सा लंच ब्रेक। यहाँ पे देख लो इनकी ऑर्डिनरी बस भी है जो कि अभी गैंगटॉक से सिलीगुड़ी जा रही है। और ये जो जगह है ना, ये है मामकोला, मतलब जस्ट सिक्किम बॉर्डर से थोड़ा सा दूर है। हाँ चलते हैं फिर कुछ लंच वगैरह कर लेते हैं। ये है अपना विक्टोरिया रेस्टोरेंट। ऑलराइट जी, यहाँ पे मैंने वेज थाली खाई, थाली काफ़ी बढ़िया थी। स्टाफ ने इनवाइट किया था लंच के लिए तो उन्हीं के साथ बैठा था। इनका एक सैलड बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बिल्कुल सब कुछ मिक्स किया हुआ, एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। जो भी है, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं बाकी की जर्नी। कुछ ही देर बाद हम एंटर हो जाएंगे सिक्किम में। यहाँ पे गाइस हमने क्रॉस कर लिया रोंगपोचू एंड फाइनली वेलकम टू सिक्किम। बज रहे हैं दोपहर के 2:15, हम पहुंच गए हैं सिंगटम। देख लीजिए छोटा सा शहर है, गैंगटॉक है यहाँ से 28 किलोमीटर। हम पहुंच गए हैं रानीपोल एंड गैंगटॉक, बस यहाँ से 10 किलोमीटर रह गए हैं। ये देख लो यहाँ पे वॉकिंग के लिए जो बिल्कुल एक अलग पाथ बनाया गया है। चलिए गाइस दोपहर के 3:05 हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे शहर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में आपका स्वागत है। अभी भी रह गया है थोड़ा सा, मगर अभी ट्रैफिक है काफ़ी। इनफैक्ट पहाड़ों के ऊपर आप गैंगटॉक का शहर देख सकते हैं। तो जो टाइम मेंशन कर रखा था वो था दोपहर के 3:30, एग्जैक्टली 3:30 हम पहुंचने वाले हैं SNT के बस स्टैंड में। यहाँ पे देख लीजिए सिक्किम सरकार की कितनी सारी बसें हैं।
लाइन से यहाँ पे भी लग रहा है कि ये लोकल रूट्स की या फिर इंटरस्टेट रूट्स की। तो दोस्तों सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में आप सभी का स्वागत है। ये है यहाँ का बस स्टैंड, ये थी हमारी बस। देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाता है आपको इस बस स्टैंड का एक एरियल व्यू देने का। बस मेरे जटायु वापस आ जाना। और फिर से बता दूं मैं आया हूं यहां पे e-tripto.in के साथ। अभी जो है उन्होंने गाड़ी भेजी है मुझे यहां से लेने के लिए। आपका जो नॉर्मल पिकअप है NJP या बागडोगरा से हो जाएगा। मैंने जस्ट ये वीडियो बनाने के लिए गैंगटॉक सही बोला कि पिकअप कर लेना। ऑलराइट, शाम के 4 बज रहे हैं एंड हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। फोटोज तो काफी अच्छे थे, उम्मीद करता हूं होटल भी काफी अच्छा ही हो। अच्छा गाइस, रूम दिखा दूं, रूम बहुत ही बढ़िया दिया है, वॉशरूम काफी सही है, रूम तो मतलब बिल्कुल जबरदस्त दे दिया इन्होंने। यहाँ पे पीने का पानी है, फिर चाय कॉफी किट्स हैं, गर्म पानी पीने के लिए केटल है, टीवी है, इनके पास ना स्पा भी है। एनीवेज जो बेस्ट चीज है वो है यहाँ का व्यू। व्यू इज रियली रियली अमेजिंग यार, बोलना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैंने यहाँ पे कॉफी ले ली है इस व्यू के साथ। ये कॉफी ओहो, बता दूं ड्रोन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 15 मीटर्स आ रही है, वो कुछ तो हैग वैक करके बढ़ाना पड़ता है। वो मैंने करा बट वो काम नहीं करा किसी तरह से, वो देखते हैं क्योंकि 15 मीटर्स ऊपर उड़ाऊंगा तो हर कोई देख लेगा और हर जगह ऑब्जेक्शन करेंगे लोग। सो फाइनली गाइस, ड्रोन उड़ा लिया है, आप बस कुछ प्यारे सिनेमेटिक शॉट्स देखिए होटल के। एंड दिस इज DJI मिनी 3 जो लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो। साढ़े छः हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ के MG मार्ग देखने। एक्चुअली कल सुबह भी जा सकते थे मगर मुझे लगा रात का एक व्यू आपको दिखाया जाए, ड्रोन से भी ट्राई करते हैं। गैंगटॉक के MG मार्ग में आपका स्वागत है, नेम्ड आफ्टर द महात्मा गांधी। यहाँ पे ना पॉसिबल नहीं एक्चुअली, ये सारे वायर्स इतने हैं ना कि ड्रोन उड़ाना मुश्किल ही हो जाएगा, बट बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है ये तो बोलना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे लाइन से सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आपके कैफेज़ हैं, नेपाली रेस्टोरेंट्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत है, मैंने पिछली बार देखे थे। यहाँ पे ना यार फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है, बहुत ही मस्त मेंटेन कर रखा है। ऑनेस्टली यार बहुत कमाल का है ये। एंड ड्रोन का देखते हैं क्योंकि वायर वगैरह बहुत है ना, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा और कुछ खास इन डिटेल नहीं जा रहा, मगर आप समझ जाइए जैसा होता है माल रोड लाइन से दुकान है, ज्वेलरी हो, गिफ्ट शॉप हो, फिर टी कॉफ़ी इन सब की चीज़ें हों, किसी चीज़ की कमी नहीं है। एंड एक तरफ है सारे रेस्टोरेंट्स, हर तरह का खाना यहाँ पे मिलेगा, बंगाली वगैरह हो गया, नॉर्थ इंडियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, भूटानीज हो गया, नेपाली हो गया, क्योंकि बहुत टूरिस्ट ना गैंगटॉक आते हैं। बाकी यहाँ पे आप माहौल देखते रहिए एंड दिखाता हूँ आपको कुछ बेहतरीन ड्रोन शॉट्स गैंगटॉक के।
सो ऑलराइट गाइस, फर्स्ट डे का फ्लाइट सक्सेसफुल हुआ। रात में मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि जो वायर्स है ना वो दिख नहीं रहते, तो ठीक है मैंने अच्छे से एक बार विजुअल देख लिया कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे है, फिर अच्छे से उड़ाया। थोड़ा टाइम लगेगा कंट्रोल सेट होने में, बट आप अगर वीडियो को बिना लाइक किए चले गए ना इन सब ड्रोन शॉट्स देखने के बाद, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अच्छा गाइज, यहाँ पे ना मैंने कुछ स्टार्टर्स मंगवा लिया, एक मंगवा लिया मैंने क्रीम ऑफ चिकन सूप, हालांकि लाने में थोड़ा लेट हो गया, लगभग 8:30 बज गया। मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि अपलोड करके कल सुबह कहीं और निकल सकूँ, क्योंकि वहाँ पे शायद नेट वगैरह ना हो, तो कोशिश करते कल का वीडियो जल्दी रेडी हो जाए। एंड आपको मैं डिनर दिखाता हूँ क्या सर्व करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा डिनर आ चुका है। डिनर में मैंने मंगवाया है पनीर एंड रोटी। इनका सिस्टम ऐसा है कि पैकेज में जो है ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूडेड रहता है। सो यहाँ पे कोई डिनर बुफे नहीं है, बट आप हलाकाटा से जो भी मंगवाना चाह रहे हो तो वो ला के दे देते हैं। कुछ देर पहले स्टार्टर्स मंगवाए थे, तो थोड़ा फ्लाइट में बस डिनर हो जाए क्योंकि कल लंबा सफ़र है। अगला वाला व्लॉग डेफिनेटली बहुत कमाल का होगा। यहाँ पे नायक मूवी का थोड़ा कॉमेडी सीन वीन लगाया है, खाते टाइम ये सब देखता ही हूँ मैं। यहाँ पे बढ़िया ना पनीर बनाया इन्होंने, एकदम क्रीम बटर दोनों आप ऊपर एकदम मतलब तैरते हुए देख सकते हैं। तो सैलड में खा गया एंड साथ में है तवा रोटी। एंड ई ट्रिप्टो की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सिक्किम अगर आपको घूमना है तो इनका पैकेज चालू हो जाता है सिर्फ 5,000 रुपये से। 5,000 रुपये में आपको स्टैंडर्ड 3-स्टार होटल्स देंगे, खाना देंगे, ब्रेकफास्ट डिनर, फिर सारा पिक एंड ड्रॉप ये सब रहेगा, तो ऑब्वियसली वैल्यू फॉर मनी तो है। ई ट्रिप्टो .in देता है आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेजेस। रोटी तो पक्का पापड़ बन गई होगी, बट ठीक है डिनर करके बताता हूँ कैसा लगा। ऑलराइट गाइज, माई डिनर इज डन। पनीर ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सिक्किम सीरीज़। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स उनका एक भाई, कल हम निकल जाएंगे नॉर्थ सिक्किम के लिए एंड उसी में सारा टूर एंड सारा ट्रैवल सब कुछ रहेगा। आई होप कि वो व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। सो फिलहाल के लिए ना इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।